family number one. ओ डेट लिखो ना रश्मि, ये साइड लिखूं? नहीं, यहाँ पे लिखो लिखो अबे राहुल क्या कर रहा है, फॉर्म खराब हो जाएगा। कैसा फॉर्म यार? आईएएस का फॉर्म, देख मैंने पूरी तैयारी की है। आईएएस का एग्जाम? तू कलेक्टर बनेगा रे, बड़ा सा बंगला होगा, चार चार नौकर होंगे और सुबह शाम वो सलूट मारेंगे। ये सब तब होगा जब तुम फॉर्म भरोगे। लिखो ना नाम, धीर। धीर की स्पेलिंग क्या है रश्मि? DHEER, धीर। टू टू ई। आगे लिखो मल्होत्रा, M. नहीं मैं बोलता MAL. एक मिनट, मैं मल्होत्रा क्यों लिखूंगा? क्यों? तुम क्या लिखोगे फिर? तुम मल्होत्रा हो, मल्होत्रा लिखोगे ना? एक्सक्यूज मी, मैं पोटिया हूँ, पोटिया लिखूंगा। मेरी बात मान ले, मल्होत्रा लिख ले। पागल है क्या तू? मैं पोटिया पैदा हुआ था, पोटिया हूँ, पोटिया रहूंगा और पोटिया लिखूंगा। मैं तुझे पोटिया की स्पेलिंग नहीं बताऊंगी, मल्होत्रा लिखो। मेरी बात मान ले, मल्होत्रा लिख ले वरना मार दूंगा तेरे को मैं। मुझे नहीं बनना कलेक्टर फिर। ओए लो। हाँ नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना। वन टू, बिजी है बाद में आऊं। एक मिनट, हेलो वन, और एक मिनट, एक्सक्यूज मी, होल्ड कर जस्सी, होल्ड कर। हाँ, ओए, मैंने तो सिर्फ मास्टर शाली को बुलाया था। मास्टर दीपक तुम कैसे आ गए हो? वो क्या है ना सर, जब से हम लोग भाई हो गए ना, तब से जहाँ भी जाते हैं ना साथ साथ जाते हैं। गुड सर, अब हम रेशम की डोर से टाइप हो गए। कोलैबोरेशन में मस्ती करते थे। कहिए कैसे याद किया? किसने? आपने? ओ हाँ हाँ, ओ भाई गल ये है कि मैं तुम लोगों की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बना रहा था तो मेरी समझ नहीं आया कि मैं तूफान पोटिया लिखूं या तूफान मल्होत्रा। सर इसमें सोचने के है। वही तो, आंखें बंद करके तूफान मल्होत्रा लिख दीजिए। गुड जोक, गुड जोक सर, ये जोक करा है, अब तूफान पोटिया ही लिखिए। ठीक है सर, एक मिनट, ये तूफान उठा। देख, तेरी मम्मी ने मेरे पापा के साथ शादी की है। शादी करने के बाद सरनेम चेंज हो जाती है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ऐसा करना पड़ता है मेरे भाई? ये देख, भाई भाई तो ठीक है, लेकिन इतने साल से जो मेरा सरनेम है उसे मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ यार? पहलवान तू मुझे हर्ट कर रहा है। अबे तू मुझे हर्ट कर रहा है, मैं अपना सरनेम नहीं चेंज करूंगा। देख मोटे, चुपचाप प्रिंसिपल सर को तेरे रिपोर्ट कार्ड में तूफान मल्होत्रा लिखने दे वरना। अबे तेरे वरना का रिजल्ट तो बाद में आएगा, पहले मेरे वरना का रिजल्ट सुन ले। सर सॉरी। गाना तो ठीक था। चंदन साबदन। राहुल भैया चलो ना हम भी कुकिंग करते हैं। मैं आ गया और मैं आज भिंडी बनाऊंगा। भिंडी? एक मिनट, भिंडी क्यों? जब भी मैं भिंडी को देखता हूँ तो मुझे तलवार याद आती है, तलवार। ओ, 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 कोई हंसना मतलब मतलब की लड़ाई झगड़ा खत्म। क्यों झगड़ा कर रहा है मुझसे तू? पता है पिछले 45 मिनट से मैं नहीं सोया। मुझे माफ कर दे राहुल, मेरा भाई, मुझे माफ कर दे राहुल। आज के बाद हम कभी नहीं झगड़ेंगे, कभी नहीं। मतलब कुछ भी हो जाए, अब कोई भी दीवार या कोई भी इशू हमें सेपरेट नहीं कर सकती। धीर भैया, राहुल भैया। देखा जी, फेयर टेल्स, रब नहीं चाहता कि हम लोग जाएं। देखो 17 बार पहले भी आप ये कर चुके हो। देखो हर बात में रब रब नहीं करते हैं।
कुछ बातों में रब की नहीं दिल की सुनते हैं। एक बार और करते हैं ठीक है। लास्ट टाइम ओके। हेड ओ कितने हेड, हाथ तो खोलो। इसका मतलब हम मास्टर शाली और मास्टर दीपक के घर जाएंगे। अरे ये लोग कुछ कहते क्यों नहीं है? गुड्डू, गुड्डू, तूफान, किसने बनाई तुम लोगों की ऐसी हालत? बोलो। तूफान ने। तूफान मेरी, गुड्डू ने। अरे लेकिन क्यों? धीर भैया कम यार। वन मिनट। हाँ देखो, आपकी मम्मी ने हमारे पापा के साथ शादी की है, तो आप लोगों की सरनेम पोटिया होनी चाहिए कि मल्होत्रा होनी चाहिए। राहुल भैया कम यार। यार मैं तो तेरे साथ ही खड़ा हूँ। राहुल भैया आप इसे समझा दीजिए कि हमारा सरनेम सिर्फ पोटिया है। आई डोंट बिलीव दिस। अभी पौना घंटा पहले हम लोग इसी इशू पर झगड़ रहे थे। एग्जैक्टली यार, व्हाट कोइंसिडेंस। वेट अ मिनट, ये सारे कोइंसिडेंस बता रहे हैं कि हमारे दिल में कितना प्यार आ गया है। राहुल एक और पप्पी लेनी पड़ेगी। स्टॉप इट। मीठी है यार। तूफान देख मेरी बात सुन, ये झगड़ा वगड़ा क्यों यार? अब तो मम्मी की शादी होगी ना पापा के साथ, तो नो मोर पोटियास, ओनली मल्होत्रा। राहुल क्यों मजाक कर रहा है, बच्चे सीरियसली ले लेंगे। गुट्टू हम पोटियाज ही हैं। देख धीर, बच्चों का झगड़ा है ना, जाने दे। व्हाट इज देयर इन अ नेम, नो मोर पोटियाज, ओनली मल्होत्राज। वही तो मैं कह रहा हूँ राहुल, बच्चों का झगड़ा है, व्हाट्स इन अ नेम, पोटियाज रहने दे ना। धीर तू मेरा भाई है ना? अगर भाई होने का यही क्राइटेरिया है तो हम लोग किसी का भाई भाई नहीं है। आई डोंट बिलीव दिस। तुम लोग इतनी सी बात को इतना बड़ा इशू बना रहे हो। अरे भाड़ में जाओ। भाड़ में? चल तूफान मल्होत्रा के रूम में। ये भैया ये बात मजाक करने का नहीं है। आज हम लोग ने जान लिया है कि ये मल्होत्रा के दिल में हमारे लिए कोई प्यार नहीं है। चलो। अरे जाओ ना, हम लोग भी समझ गए हैं कि तुम लोगों का प्यार एक चीप लिपस्टिक की तरह है। चलो चलो। ओ गुड्डू क्या है भाई, रुक जा। ये ले तेरी अमानत। चलो दे तो दिया। एक काम करते हैं, पोटियास की साइड लेते हैं, ना चेंज नहीं करते तो मल्होत्रा का दिल नहीं टूट जाएगा। तो मल्होत्रा की साइड लेते हैं, ना चेंज कर देते हैं। अजय शेम ऑन यू है जी, मेरे पोटियास का दिल नहीं टूट जाएगा फिर। वे कमाल करती है, दोनों साइड बोलती है। वे एक ना एक का नाम तो चेंज करना ही पड़ेगा ना, वरना क्या सारों के नाम चेंज करके तेरा सामने रख दूं गिल। ना ना, एक काम करते हैं जी, मैं उन लोगों के सामने ऐसा शो करूंगी कि नाम चेंज करने से थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होता है। क्या? ए जी आप ना बड़े क्यूट लगते हो जब आप ना ऐसे यस करते हो ना तब। भूख लगी तो खाना खाओ आओ। गुट्टू कोई प्रॉब्लम है, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? दीदी झगड़ा वगड़ा सब अपनी जगह पे, लेकिन क्या इस झगड़े की वजह से हम उनको खाना भी नहीं देंगे? ओ हीरो, तुम्हें उनके खाने के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, खाना खाओ। तो पहले आप खाओ ना। मैं 2 मिनट रुक कर खाऊंगी। तो ठीक है, हम भी 3 मिनट रुक के खाएंगे। तूफान चल आ जा। अरे धीर भैया आप आ गए, चलो चलो आपको भूख लगी यार। यू नो राहुल भैया, होटल का खाना सेहत के लिए बहुत ही बुरा होता है। ओए तू खा, बहुत अच्छा होता है। हाँ। हेलो है जी बच्चे लोग, कैसे हो? मैडम ओए होए, लगता है बड़ा प्यार हो गया आपस में तुम लोगों के, एक साथ एक ही बात बोल रहे हो। आप कैसी हैं मैडम? और मैं तो एकदम फिट फाट। हाँ एक्चुअली क्या है ना, आज मेरा सेकंड बर्थडे है। सेकंड बर्थडे? आहो सेकंड बर्थडे है ना,
वैसा वाला सेकंड बर्थडे नहीं, ये ऐसा वाला सेकंड बर्थडे है। वो कैसा वाला, ठहरो मैं एक्सप्लेन कर दिया यार, मेरे को कंफ्यूज कर देते हैं स्टोरी में। देखो क्या है ना कि जब मेरी शादी आज के दिन हुई थी कैलो साहब से, तो मेरा नाम शादी से पहले था जसविंदर गिल, तो कैलो साहब ने चेंज करके मेरा नाम जसविंदर कैलो कर दिया। इस वास्ते में केक लाई हूँ सेलिब्रेट करने के लिए। अरे केक में हम बाद में खा लेंगे, लेकिन आप हमें एक बात बताइए, जब आपका नाम बदला गया तो आपको खुशी हुई या गम? ओ लो, गम किस बात का है? अरे सब कुछ तो प्यार होता है, समझे ना, नाम इसकी रखा है। That's right. Hello kids. भाई देखो, आज बड़ी खुशी का दिन है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आया हूँ। अब ये केक किसके लिए? हाँ, क्या है कि आज मैडम का थर्ड बर्थडे है। थर्ड बर्थडे? नई स्टोरी है, नई स्टोरी। दसो, ठीक तरह से एक्सप्लेन करो। देखो जी, बात ऐसी है कि शादी के बाद मैंने जस्सी का नाम जसविंदर गिल से बदलकर जसविंदर कैलो कर दिया था। है? बाद में मेरे को रियलाइज हुआ कि नाम चेंज करने में क्या फायदा है। भाई नाम चेंज करके मेरी जस्सी कोई बदल थोड़ा गई है। इसलिए आज के दिन मैंने फिर से इसका नाम चेंज करके जसविंदर गिल कर दिया है। यस! Excuse me, जस्सी आंटी, क्या मैं आपको कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछना। आपने अपना नाम बदल कर वो पुराना वाला नाम क्यों रख लिया? वो जसी, क्या है ना? जसी, जसी, जसी। अरे एक बात तो मैं तेरे को बताना ही भूल गया। क्या? तेरे पटियाले वाले चाचा जी की चिट्ठी आई है। सच? हाँ, उन्होंने अपनी 6 करोड़ की वसीयत तेरे नाम लिख दी है। देख, 6 करोड़। क्या वाओ वाओ वाओ, एक प्रॉब्लम है जस्सी। सर, प्रॉब्लम क्या है? चाचू जिंदा है, मैं कुछ करूं? गोवर्धन, तू एक काम कर, ये बंद कर। प्रॉब्लम ये है कि इस वसीयत में तेरा नाम जसविंदर कैलो लिखा हुआ है। ओ जी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, आपने जो डिसाइड कर लिया है वही होगा। मैं 6 करोड़ रुपए के लिए अपना नाम फिर से चेंज नहीं करूंगी, बस। वाह वाह, जस्सी, जस्सी। अरे आप बदल दीजिए ना। ना ना पुत्र ना। देखो जी, हमारा प्यार जो है वो सारे पैसों से, सारी वसीयतों से ऊपर है। ये देख, ये गई वसीयत और वो गई वसीयत। सर एक बात बताइए, शादी के बाद जब पहली बार आपने आंटी का नाम चेंज किया था तो आपको बुरा नहीं लगा था? अरे बुरा लगा था धीर भैया, तभी तो सर ने उनका वापस से पहले वाला नाम रख दिया। यूजर। हाँ जी, हाँ जी। मैं ना अपना मंथली राशन लेने के वास्ते राशन की दुकान पे गई थी, तो मजौनिया राशन वाला कहता है राशन नहीं दूंगा। क्यों? हायो रुपा। वो कहता है कि आपका राशन कार्ड पुराना हो गया है, उसमें मेरा नाम जो है वो जसविंदर कैलो है, और अब मैंने अपना नाम चेंज करके जसविंदर गिल कर लिया है। ओ मतलब अब हमको कभी राशन नहीं मिलेगा? ओ जस्सी, जस्सी तेरे को तो पता है ना मेरे को राशन के दाल चावल कितने पसंद है। पर एक गल हो सकती है। क्या? मैं अपना नाम चेंज करके फिर से जसविंदर कैलो कर लेती हूँ। तू फिर अपना नाम चेंज करेगी मेरी खातिर? आहो ना, तेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? ना ना। ओहो हो, देखा देखा, व्हाट सैक्रिफाइस, जस्सी जस्सी। यानी हैप्पी बर्थडे टू यू नंबर 4। चलिए जी केक ले रहे हैं। चलो 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 चलो। रश्मि दीदी, क्या हम लोगों ने कोई गलती की है? कैसी गलती? वही पोटियास को अपना नाम बदलने के लिए बोलना। नहीं नहीं, कोई गलती नहीं की है। पक्का ना यार? ऑफ कोर्स यार। लेकिन जिस तरह से जस्सी आंटी अपना नाम बार बार चेंज कर रही है, उससे मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है यार। नहीं? पोस्टमैन, पोस्टमैन अंकल,
क्या लाए हो? प्रिंसिपल साहब का लेटर। प्रिंसिपल सर का लेटर यहाँ? हाँ, स्कूल में गया था तो प्यून ने बताया कि प्रिंसिपल साहब यहाँ पर है, सो मैं यहाँ आ गया। अच्छा, यहाँ आने का भी एक कारण क्या है कि मैं बाजू से गुजर रहा था तो मैंने समझ गया। ठीक है। ला भी ला, लेटर ला। वो किसका है जी? वो देखने तो दे पाकवाने। ये किसी रोला कोला कोल्ड ड्रिंक कंपनी का है, लिखते हैं उनके किसी कंपटीशन का हमने सही जवाब लिख के भेजा है, उसके इनाम के रूप में हमको 3 रात और 4 दिन मलानी भेजने वाले हैं। पर मैंने तो ऐसा कोई जवाब लिख के नहीं भेजा था। ओ जी, मैंने भेजा था जी, रब ने मेरी सुन ली। तो ये तेरी स्टोरी थी, अच्छी है। जी स्टोरी नहीं, फैक्ट है। लेकिन इसमें ना तो देख, मेरा नाम लिखा है राज वीरेंद्र सिंह गिल। और जी, तो मैंने 2 एंट्रीज भेजी थी ना, एक गिल के नाम से और एक कैलो के नाम से। और गाइस, मैडम वाले सरनेम पर लगा हुआ है। ओहो, जस्सी जी, प्रिंसिपल सर, आपकी तो निकल पड़ी। आहो। अब आप जाओगे मनाली हॉलिडे पर। क्या था हॉलिडे? नाम का क्या होगा? कमॉन सर, नाम बॉम्ब में क्या रखा है? वही सर, देखिए ना मैडम कितनी एक्साइटेड है। ये तो 24 घंटे एक्साइटेड रहती है। मैं ना कैसे बदल सकता हूँ? क्यों नहीं बदल सकता हूँ, मैंने भी तो बदला ही था ना। ना 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 ना, देखो जी, बस यही पॉइंट है। और अगर सर ने मैडम की खुशी के लिए अपना सरनेम चेंज कर दिया तो हम भी अपना सरनेम चेंज कर देंगे। यस। अरे पापा कूल, ठीक है सर, प्लीज अपना नाम बदल दीजिए ना। देखो कुल्लू मनाली का मस्त टूर शुरू हो जाएगा। खड्डे में गया टूर, मैं नहीं करता अपना नाम चेंज। सर गलत बात है सर, मैडम इतना रो रही है, मान जाइए ना, नाम बदल लीजिए ना प्लीज। सर आपकी प्रॉब्लम ही क्या है, मैडम ने आपके लिए 3-3 बार अपना नाम चेंज किया और आप कि अपना नाम चेंज करते नहीं हो। सर एक बार अपना नाम चेंज कर दो ना। वही तो, अरे ये हस्बैंड होते ही ऐसे है। चुप कर। हाँ। बच्चों के सामने मेरे को डॉन करने के लिए वहां पे खड़ी खड़ी शगुफे ना छोड़। किसने कहा 3-3 दफा नाम चेंज हुआ था? सिर्फ एक बार नाम चेंज हुआ था, शादी के वक्त जसपिंदर गिल से जसपिंदर कैलो हो गई थी, दैट्स ऑल। लेकिन वो सेकंड और थर्ड बर्थडे, वो तो हमने ऐसे ही झूठ मूठ बोल दिया था। ओए शेम ऑन यू है जी, कुल्लू नहीं भेजने के वास्ते इतने से झगड़े के लिए आपने बच्चों के सामने पूरी स्टोरी बता दी। फिटे मुंह तेरा, कड़ी मुड़ी झगड़े डालती रहती है, तेरे को जाना है ना कुल्लू मनाली, जा जा, रिक्शा ला दूं। और जी रिक्शा से जाए मेरे दुश्मन, मैं तो प्लेन में जाऊंगी। हाँ, वो रब करे वो प्लेन हाईजैक हो जाए। हाय रब्बा, देखा देखा, ये तो चाहते है कि मेरा प्लेन हाईजैक हो जाए और फिर कहते कि मैं झगड़ा करती हूँ। अरे मेरे को नहीं आपकी शक्ल देखनी सफेद दाढ़ी वाली, अब तो मारने भी लगे हो, मुझे नहीं रहना आपके साथ में, जा रही। और जा जा, तू केड़ा पार्टनर टाइप चल लिया है। सर वो गई। और जसी, और रुक जसी माय डार्लिंग, इसका मतलब ये है कि अभी तक जो मैडम और सर कर रहे थे वो सब एक नाटक था। हाँ, एक्चुअली वो हमें बहुत प्यार करते हैं और इसलिए वो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं नए नए ड्रामे लेकर। देखा, वो लोग बाहर वाले होकर भी हम इतना प्यार करते हैं और तुम हमारे भाई होकर भी हमें प्यार नहीं करते। तो जैसा किसने कहा कि हम तुझसे प्यार नहीं करते? पागल थे हम लोग, पागल थे जो इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते थे। आज के बाद हम लोग सब एडजस्ट करके और कॉम्प्रोमाइज करके रहेंगे। ओके यार, यही सही बात है, न तो फिर से डिफरेंसेस होंगे, आपसी बातचीत बंद हो जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे और इस बार नहीं सहा जाएगा। राहुल, नाउ तो आई डेफिनेटली डिजर्व अ पप्पी। एक शर्त पर। और अगर तुम लोगों ने वो शर्त नहीं मानी तो हम सब कभी एक नहीं होंगे। और वो शर्त ये है कि आज के बाद कोई नाम बदलने का ख्याल अपने मन में नहीं लाएगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.